विराट कोहली उन्हें बहुत ही सेवेज रिप्लाई दिए जो उनके स्ट्राइक रेट को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं जी अगर आप लोगों को याद होगा हैदराबाद के अगेंस्ट वाले मैच में विराट कोहली थोड़ा स्लो खेले थे उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी थर्टी बॉल्स में कंप्लीट करी थी एंड उसके बाद उन्हें काफी क्रिटिसिजम मिला था कि इतना स्लो खेलने का होता है क्या वो अलग बात है कि वो मैच भी वो लोग जीते थे बट उन्हें फिर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि विराट कोहली जैसे प्लेयर इतना स्लो खेल रहे हैं वेल पंजाब के अगेंस्ट जब वो जीते थे तो वो हर्षा बोगले के स्लो स्ट्राइक रेट वाले रिमार्क के ऊपर भी रिएक्ट किए थे एंड पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में विराट कोहली इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते हुए बोले ये सभी लोग जो स्ट्राइक रेट्स और मेरी स्पिन को अच्छे से ना खेलने की बात करते हैं दे आर द वन टॉक अबाउट दिस स्टफ मेरे लिए इट्स अबाउट विनिंग द गेम्स फॉर द टीम एंड देर इज अ रीजन आप ये क्यों कर रहे हो पंद्रह साल से दिन रात आप अपनी टीम के लिए गेम्स जीतते हो आई एम नॉट क्वाइट श्योर की अगर आप खुद उस सिचुएशन में नहीं थे तो बैठकर गेम के भी बारे में बात करने का हक है फॉर मी लोग अपने assumptions के बारे में दिन रात बात कर सकते हैं लेकिन जो लोग दिन रात काम करते हैं दे नो वॉट मसल मेमोरी फॉर मी नाउ फॉमी नो दिन कोहली रिसेंटली एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर भी उनके स्ट्राइक रेट के बारे में बात करते हुए बोले देखिए अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि आपकी टीम जीत रही है या नहीं अगर आपकी टीम जीत रही है तो कोई बात नहीं करता एंड अगर टीम हार रही है तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं आप वो सारी चीजें निकाल के आते हैं जिसके वजह से आपको लगता है कि टीम हारी है और मोस्ट इंपोर्टेंटली हर प्लेयर की गेम डिफरेंट है जो ग्लेन मैक्सवेल कर सकते हैं वो विराट कोहली नहीं कर सकते और जो विराट कोहली कर सकते हैं वो ग्लेन मैक्सवेल नहीं कर सकते हर प्लेयर के पास एक अलग तरीके का इंग्रेडियंट होता है अगर आप फर्स्ट से लेकर एट तक सभी एक तरीके के प्लेयर्स को आप सिलेक्ट करोगे तो आप तीन भी बना सकते हो और तीस पे भी ऑल आउट हो सकते हो तो अच्छी टीम का मतलब यही होता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स है लेकिन यहाँ पे जरूरी है आपके टीम का जीतना अगर आप सौ के स्ट्राइक रेट पे भी बैटिंग करते हो और टीम जीतती है तो आपके सौ का स्ट्राइक रेट इज ऑल्सो गुड लेकिन अगर आप एक के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करते हैं और टीम हार जाती है तो नो वन टॉक्स अबाउट इट दैट्स द रियलिटी स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन स्ट्राइक रेट का डायरेक्ट रिलेशन है कंडीशन से आपको अपनी टीम के सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है क्या आप गौतम गंभीर से अग्री करते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना